हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में देखते हैं स्टडी फ्लो एनर्जी क्वेश्चंस के कुछ एग्जांपल्स चल रहे थे। और जो एग्जांपल्स आपका चल रहा था, पिछले वाले वीडियो में हमने दो एग्जांपल्स लिए हुए थे। हमने लिया था नोजल और डिफ्यूजर के साथ। इस वीडियो में हम लोग देखते हैं बाकी के जो एग्जांपल्स जो कि आपसे एग्जाम्स में भी पूछे हुए हैं, वहां से भी पूछा हुआ है अलग अलग क्वेश्चन में। जैसे अभी मैं बॉयलर की बात करूँ, टर्बाइन की बात करूँ, कंप्रेसर की बात करूँ, तो ये सब आपसे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन हमको अप्लाई करना है। अब तक तो आपको याद हो गया होगा स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग एग्जाम्पल्स उठाते हैं और नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम लोग बात करते हैं किसका, बॉयलर के साथ, ठीक है। तो ये देखिए बॉयलर के साथ आपकी क्या कहानी होने वाली है। तो अगर हम लोग बॉयलर के साथ बात करें तो देखिए क्या होता है। ये हमारे पास मान लीजिए बॉयलर है, तो इस बॉयलर के अंदर इस तरीके से आपकी ट्यूब लगी हुई है। इस ट्यूब से आपका क्या होगा, यहाँ से आपका वाटर सप्लाई होगा। तो यहाँ से आपका गया है वाटर, और वाटर के बाद फाइनली क्या होगा, यहाँ से स्टीम बनता है, ठीक है। तो जैसा हम लोग देख रहे थे कि नोजल और डिफ्यूजर के अंदर हमने क्या किया था, उसको इंसुलेशन कर दिया था, ठीक है। तो क्या इसको भी इंसुलेशन कर दे, उठा के इंसुलेशन कर दे। बॉयलर को अगर इंसुलेशन कर दोगे तो ये हीट कहाँ से लेगा, हीट का इंट्रैक्ट कैसे करेगा, ठीक है। तो देखिए प्रैक्टिकली अगर आप जाओगे तो जो भी इसके चीजें क्या है, अंदर में आपका लॉसेस को कम करने के लिए इंसुलेशन रहता है, वो अलग चीज है। लेकिन यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये बेसिकली हीट का ही इंटरेक्शन करता है, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। आपको बॉयलर में बेसिकली निकालना क्या है, आपको बॉयलर में निकालना है जो हीट ट्रांसफर का फंडा है उस चीज को लेके। मतलब बॉयलर के अंदर जो आपको हीट है, हीट कितना इंटरेक्ट कर रहा है वो निकालना है। तो हीट ट्रांसफर को जीरो मत कर देना। जिस चीज को निकालना है उस चीज को थोड़ी हम लोग जीरो कर देंगे, ठीक है। अब टर्बाइन में वर्क निकालना है तो थोड़ी वर्क को जाके जीरो कर देंगे, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस चीज को। अभी हम लोग आगे अप्लाई करेंगे तो समझ में आ जाएगा आपको, बट इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कुछ अजम्पशन लेते हैं हम लोग, ठीक है। फिर से अजम्पशन, अगर कहीं भी अजम्पशन नाम का वर्ड दिख जाए तो एक अजम्पशन तो आपका बिल्कुल मस्ट है, ठीक है। और वो एजम्पशन आपको पता चल गया होगा क्या, फ्लो शुड बी स्टडी। मतलब जो आपका फ्लो है, फ्लो कैसा होना चाहिए, ये आपका होना चाहिए स्टडी फ्लो। कहानी क्लियर है यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये तो आपका स्टडी फ्लो है। इसके अलावा फ्लो आपका देखिए, जो इसमें चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को हम लोग ले रहे हैं जीरो। अब ये हमने क्यों लिया है, अब सुनिए। मैंने यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी को जीरो नहीं लिया है, एग्जाम्पल के लिए समझिएगा मैं आपसे क्या बात कर रहा हूँ। अभी एक न्यूमेरिकल कराऊंगा तो पूरा पिक्चर क्लियर हो जाएगा, बट फिर भी आप एक बार समझिए। यहाँ पर सपोज मान लो, यहाँ पर जो C1 है वेलोसिटी, C1 की वेलोसिटी मान लीजिए कि सपोज 60 मीटर पर सेकेंड, एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। और यहाँ पर जो C2 आया हुआ है, ये मान लो आपका बढ़ के कितना हो गया, 100 मीटर पर सेकेंड हो गया, ठीक है। तो अगर आप यहाँ से चेंज जब निकालोगे काइनेटिक एनर्जी का, तो काइनेटिक एनर्जी के साथ चेंजेस आपको क्या दिखेगा। अगर आप यहाँ काइनेटिक एनर्जी का चेंजेस निकालेंगे तो ये आपको मिलेगा क्या क्या, C1 square minus C2 का square divide by C2। अगर बड़ा कोई बात नहीं, निगेटिव आएगा, पॉजिटिव जो भी है, डिवाइड बाई आप क्या लिखोगे यहाँ पर 2000। अब ये देखो, ये दोनों का स्क्वायर करके माइनस करके 2000 से डिवाइड करोगे तो वैल्यू आपको कैसे दिखेगी। अगर आप वैल्यू निकालोगे तो वैल्यू आपको कैसे दिखेगी, छोटी आएगी कि नहीं आएगी, ठीक है। इसीलिए हमने क्या है, कैलकुलेशन को कम करने के लिए चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को हमने क्या कर दिया है, जीरो कर दिया है, ठीक है। आगे बात करते हैं, अगर हमसे बात करता है नेक्स्ट चेंज इन प्रेशर एनर्जी, तो चेंज इन प्रेशर एनर्जी भी आपको क्या दिख जाएगा, जीरो। ऐसा लिया गया है चेंज इन, याद रखिएगा हमने, सॉरी नॉट प्रेशर एनर्जी, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी है। याद रखिएगा कि हम, मैंने पोटेंशियल एनर्जी को जीरो नहीं किया है, जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है उसको जीरो किया हूं मैं। मतलब यहां पे अगर बात करेंगे तो जो हमारा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है वो आपका क्या है, जीरो है। कहानी क्लियर यहां तक। तो एक आपका स्टडी फ्लो हो गया, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो है, चेंज इन प्रेशर सॉरी पोटेंशियल एनर्जी भी आपका जीरो है। चलिए अब हम लोग इस पे आते हैं और अप्लाई करते हैं हम लोग क्या, स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, ठीक है। तो बताइए क्या होगा ये, अगर हम लोग इस पे बात करें तो ये आपका हो जाएगा H1 plus C1 का square divide by 2। आगे बोलिए, प्लस ये आपका बनेगा Z1 plus del of Q, ठीक है। अच्छा स्मॉल Q होगा ये बिल्कुल। यहाँ पे बात करेंगे तो और आपको क्या मिलेगा, ये आपको मिलेगा H2 plus, ये आपको क्या मिलेगा C2 square by 2 plus, ये आपको मिलेगा Z2 plus, ये आपको क्या मिलेगा del of W, ठीक है। चलिए तो पहले जो जो टर्म्स खत्म हो रहे हैं उसको तो आप खत्म कर दीजिए।
चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो का मतलब क्या है कि सीधा सीधा आपका C1 और C2 का कहानी खत्म है। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का मतलब है Z1 और Z2 का कहानी खत्म है। पिछले वीडियो में अगर देखा होगा आपने, जो मैं नोजल की बात कर रहा था, तो वहां पर काइनेटिक एनर्जी जो था उसको हमने टोटली चेंज इन जीरो किया था। क्यों? क्योंकि नोजल का काम ही था काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाना, और आप काइनेटिक एनर्जी को ही चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को ही जीरो कर देंगे तो कोई मतलब ही नहीं होगा, इसीलिए। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बॉयलर के साथ। तो बॉयलर के साथ मुझे हीट ट्रांसफर तो निकालना ही है, ठीक है। बात करते हैं वर्क ट्रांसफर के साथ। क्या बॉयलर के साथ वर्क ट्रांसफर होता है बताइए? बॉयलर के साथ आपको वर्क ट्रांसफर मिलेगा? कुछ मूविंग पार्ट्स है क्या अंदर, कि अंदर कुछ ब्लेड या ऐसा कुछ घूम रहा है, शाफ्ट वगैरह घूम रहा है, मैकेनिकल वर्क मिल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहां पर अगर आप बात करोगे तो बॉयलर के लिए भी आपका जो वर्क ट्रांसफर हो क्या हो जाता है आपका जीरो। तो अगर आप फाइनली बात करोगे तो आपको देखिए क्या मिलेगा, ये आपको मिलेगा H1 प्लस डेल ऑफ क्यू इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, ये H2। तो फाइनली अगर आप देखोगे तो डेल क्यू इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, ये आपको मिलेगा H2 माइनस H1। कहानी समझ में आया? तो डेल क्यू इक्वल टू हमने क्या दे दिया है, H2 माइनस H1। और इसकी जो यूनिट होगी, ये यूनिट क्या होगा, ये आपको होगा किलो जूल पर केजी। समझ में आई चीजें? इसकी जो यूनिट है क्या आएगा, ये आपका H2 है, स्पेसिफिक है ना, तो ये आपको क्या मिलेगा, किलो जूल पर केजी। ठीक है, यही आपसे क्या SSC JEE में अभी लास्ट टू लास्ट ईयर पूछा हुआ था कि बॉयलर के अंदर जो आपका हीट ट्रांसफर होता है वो कितना होता है। और सेकंड चीज जो आपसे कंडीशंस पूछा हुआ था, वो आपसे W का भी फॉर्मेट दिया हुआ था। तो बॉयलर के अंदर जब वर्क का ट्रांसफर होता ही नहीं है तो फिर ये चीजें मैटर ही नहीं करती। दूसरा चीज, आप इस चीज को फिजिकली समझिए कि अगर आप हीट ट्रांसफर दे रहे हो तो इसमें हीट ट्रांसफर जब ले रहा है तो जब इनिशियल वेलोसिटी या इनिशियल एनर्जी से गया और जब बाहर निकलेगा तो इसकी एनर्जी बढ़ जाएगी ना। क्यों बढ़ जाएगी? क्योंकि ये अंदर हीट ले रहा है, अंदर वाटर गया है और निकला क्या है, स्टीम निकला है। तो जब वाटर अंदर गया तो अंदर हीट लेने के बाद तो बाहर निकला स्टीम, तो एनर्जी बढ़ गई। तो एनर्जी बढ़ गई तो क्या लिख सकते हैं इसको, यहाँ पर ज्यादा एनर्जी आपकी, तो फाइनल एंथैल्पी मतलब एग्जिट पे जो एंथैल्पी है माइनस आपके इनलेट पे जो एंथैल्पी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा जो कंडीशन था ये किसके लिए था, बॉयलर को लेके था। आगे हम लोग बात करते हैं टर्बाइन और कंप्रेसर को लेके। ठीक है, तो एक बार हम लोग टर्बाइन और कंप्रेसर के साथ भी हम लोग डील करते हैं और देखते हैं कि इसके हमारी कहानी किस तरीके से आपकी मूव करेगी। तो अगर हम लोग देखें तो देखिए क्या होगा, टर्बाइन होता क्या चीज है बाकी, अगर हम लोग टर्बाइन की बात करें तो टर्बाइन क्या होता है। देखिए, अगर मैं स्टीम टर्बाइन की बात करूं तो पावर प्लांट में एक अलग से आपका चैप्टर है जिसमें हमको स्टीम टर्बाइन के बारे में पूरा डिटेल स्टडी करना है। ठीक है, बिल्कुल हम लोग उसमें टर्बाइन के अंदर घुस जाएंगे और ब्लेड पे चढ़ के बैठ जाएंगे, और जैसा जैसा ब्लेड ऐसा घूमता है ना, वैसा वैसा हम लोग उसके साथ घूमेंगे और उसके ब्लेड का प्रोफाइल, स्टीम का मोशन, सबका एनालिसिस करना है हमें। ठीक है, और बड़ा मजा आता है और बिल्कुल ईजी है। कई लोग लगता है कि हवा है, तोप है, कुछ नहीं है, बिल्कुल इंटरेस्टिंग चीजें हैं। तो ये सब चीजें हम लोग पढ़ेंगे वहाँ पावर प्लांट में, लेकिन अभी हम लोग को टर्बाइन से रिलेटेड जो बेसिक चीजें समझनी है वो समझ लेते हैं। टर्बाइन बेसिकली स्टीम को एक्सपांड करता है, एक्सपांड करने के कारण इसका जो हम लोग डायग्राम है वो डायग्राम को हम लोग ऐसे एक्सपांशन टाइप से बनाते हैं। मतलब ये हमारा ये स्टीम टर्बाइन का डायग्राम इस तरीके से, ये इसका शाफ्ट है और शाफ्ट में आप देखेंगे तो आपको इस तरीके से ब्लेड लगे होंगे। ठीक है, यही आपका नंबर ऑफ स्टेज बनता है जो कि हम लोग बात करेंगे सब स्टीम टर्बाइन में। ये हमने क्या कर दिया है इसको, ये क्या किया है मैंने, इंसुलेशन। क्यों? क्योंकि अंदर की जो एनर्जी है बाहर जाएगी तो कहीं ना कहीं लॉस करेगी। एक्चुअली होता है क्या, इसके अंदर आता है स्टीम है, जब स्टीम आएगा तो स्टीम जितना ज्यादा एनर्जी लेके अंदर आएगा उतना अच्छा है, उतना ब्लेड को देगा तो ब्लेड उतना तेजी से घूमेगा। लेकिन अगर ये हीट को बाहर फेंकेगा तब तो क्या हो जाएगा, उसकी एनर्जी डाउन हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पर आपको क्या कंडीशन दिख रहा है, यहाँ पर आपका जो शाफ्ट है वो क्या है, रोटेट कर रहा है। ठीक है, अब देखिए इसमें हम लोग बात करते हैं तो अगेन इसमें भी हमको कुछ एजम्पशंस लेने पड़ेंगे, और एजम्पशंस अगर आप लेना चाहते हैं तो क्या क्या एजम्पशन लेंगे, तो वही हमने जो बात किया था एजम्पशन के साथ। तो क्या क्या एजम्पशन होगा इसके लिए अगर बात करेंगे तो, पाला क्या बोलो, स्टडी फ्लो बिल्कुल होगा। तो ये आपका पहला एजम्पशन क्या है, स्टडी फ्लो। ठीक है, दूसरा परफेक्टली इंसुलेटेड, मतलब इसको हमने जो माना हुआ है वो हमने परफेक्टली इंसुलेटेड माना हुआ है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, बॉयलर को आप इंसुलेशन में नहीं लेंगे लेकिन इसको परफेक्टली इंसुलेटेड में लेना है। आगे हम लोग बात करते हैं क्या,
जो हमारे पास चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है वो हमको क्या मिलेगा, जीरो। जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है वो हमको मिलेगा जीरो, और जो चेंज इन आपको पोटेंशियल एनर्जी है वो भी आपको क्या मिलेगा, जीरो। ठीक है, अगेन चेंज इन का मतलब क्या है, इसमें पर्टिकुलर आप देखोगे तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पे अगर वेलोसिटी देखोगे तो मैंने कोई वेलोसिटी को जीरो नहीं लिया है बल्कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को जीरो लिया है। एग्जांपल के लिए मान लीजिए, अब इसके अंदर आपका कोई फ्लूड सपोज आ रहा है, वो मान लीजिए कि 20 मीटर पर सेकंड से आ रहा है, बल्कि यहाँ नोजल रहता है तो मान लो कि यहाँ 500 मीटर पर सेकंड से आ रहा है, और मान लीजिए कि यहाँ पर अगर आपको डिस्चार्ज कर रहा है, ज़्यादा हो गया ये 100 लेके चलो, ठीक है, और यहाँ पे अगर मान लीजिए आपको डिस्चार्ज कर रहा है सपोज मान लो 80 मीटर पर सेकंड से, तो यहाँ पर ये दोनों का जो चेंजेस है ना, इस चेंजेस को मैंने नेगलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, तो अब हम लोग इस पे स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन अप्लाई करते हैं, तो आइए हम लोग अप्लाई करते हैं। तो अप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, अगर अप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, देखिए ये हमको मिलेगा एच वन प्लस सी वन का स्क्वायर बाई टू प्लस जी जेड वन प्लस डेल ऑफ क्यू, ये आपका एक टर्म्स। दूसरा टर्म्स पे बात करते हैं, एच टू प्लस ये आपका हो जाएगा क्या, सी टू स्क्वायर बाई टू प्लस जी जेड टू प्लस डेल ऑफ डब्लू। कहानी कुछ क्लियर हुआ, क्या क्या टर्म्स जो हट रहे हैं ना उसको खत्म करिए। ठीक है, क्या क्या टर्म्स हटेंगे, पहला सी वन और सी टू, क्यों, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो है, जेड वन जेड टू की कहानी समाप्त। बात करते हैं हीट ट्रांसफर, परफेक्टली इंसुलेटेड है तो हीट ट्रांसफर भी आपका क्या हो गया, जीरो। वर्क ट्रांसफर भी जीरो कर दूं कहानी खत्म कर दूं, यही टर्बाइन काहे के लिए टर्बाइन लगा है, वर्क ट्रांसफर करने के लिए ना, तो वर्क ट्रांसफर थोड़ी जीरो हो जाएगा आपका। तो बात करते हैं हम लोग वर्क ट्रांसफर को लेके, तो देखिए यहाँ पर डेल डब्ल्यू इक्वल टू अगर आप देखोगे तो यहाँ पर फाइनली आपको क्या मिला, एच वन माइनस एच टू। कहानी को समझ में आया, अब इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट होगी आपकी किलो जूल पर केजी। अब ये बताइए ये वैल्यू आपको पॉजिटिव मिलेगा कि निगेटिव मिलेगा, ये जो मैंने वैल्यू लिखा ये पॉजिटिव आएगा कि निगेटिव आएगा, एच वन बड़ा होगा कि एच टू बड़ा होगा, आप ये बताइए। एच वन जो हमारा एनर्जी है वो आपके इनलेट पे है, ठीक है, एच टू जो हमारी एनर्जी है वो आपके क्या है, एग्जिट पे है। इनलेट पे जो आ रहा था तो आपको स्टीम बन के आ रहा था, तो वो आपका था कहानी एच वन, इनलेट पे जो था वो आपको स्टीम बन के आ रहा था, और जब ये एग्जिट पे गया तो ये एच टू बन के बाहर निकला, ठीक है। तो जब इनलेट पे आया तो स्टीम था और एग्जिट पे गया तो वेपर बना, तो डेफिनेटली एच वन की एंथैल्पी ज़्यादा है, क्योंकि इसके बाद आपको क्या यहाँ से वर्क मिल गया है ना, तो अगर आपको ये वर्क मिल गया है तो जब बाहर जाएगा तो आपकी एनर्जी कम हो गई। अरे भाई आप खाना खा के गए कहीं काम करने, और काम करने के बाद आपने वर्क लेके बाहर निकलोगे तो आपकी एनर्जी तो कम हो गई ना, सवेरे चार्ज होके गए थे और शाम को भूखे प्यासे घर लौटे हैं, तो यहाँ पर आप देखोगे तो वर्क का कहीं ना कहीं क्या है, इंटरेक्ट हुआ है, इसलिए आपकी एंथैल्पी क्या हुई है, डाउन हुई है। तो यहाँ पर अगर बात करेंगे तो ये वाली वैल्यू आपको कैसी मिलेगी, वैल्यू पॉजिटिव, और वर्क ट्रांसफर कभी भी पॉजिटिव आता है तो डेफिनेटली इसका मतलब है कि वर्क का क्या कर रहा है, आपको मिल रहा है। तो इसीलिए जो हमारा टर्बाइन है, टर्बाइन से हमको वर्क मिलता है, ध्यान रखिएगा इस चीज को, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं, ये टर्बाइन था, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं किसके लिए, कंप्रेसर के लिए, ठीक है। तो कंप्रेसर क्या होता है, कंप्रेसर का बेसिक फंक्शन क्या होता है, एटमॉस्फेरिक एयर को कंप्रेस करेगा, और कंप्रेस करने के बाद क्या है, फाइनली आपको हाई प्रेशर से डिस्चार्ज करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात करते हैं तो मान लीजिए हम लोग एक कंप्रेसर है, तो कंप्रेसर क्या है, एयर को कंप्रेस करता है, तो यहाँ पर हमने इस तरीके से हमने कंप्रेसर, यहाँ पर अलग अलग टाइप के कंप्रेसर होते हैं, ये मैंने आपको एक जस्ट रोटरी कंप्रेसर इस टाइप के बना दिया है, एक्सियल फ्लो कंप्रेसर है, और यहाँ पर जो आपका कंप्रेसर है तो यहाँ से आपका क्या होगा, अगेन आप मानोगे तो यकीन ये आपका सेक्शन वन है, ये वाला पोर्शन, और ये वाला पोर्शन आपका सेक्शन टू है, यहाँ पर आपका इनलेट है और यहाँ पर आपका एग्जिट है। एजम्पशन बिल्कुल सेम एजम्पशन है, जो कंप्रेसर और जो टर्बाइन का एजम्पशन था उसी एजम्पशन को मैंने किस में लिया हुआ है, कंप्रेसर के अंदर लिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए आपको आगे कहानी क्या मिलेगी, इस पर अगर बात करेंगे तो ये आपको मिलेगा क्या, एच वन प्लस ये आपको क्या मिलेगा, सी वन स्क्वायर बाई टू प्लस आगे बात करिए जी जेड वन प्लस डेल ऑफ क्यू इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, एच टू प्लस ये आपको क्या मिलेगा, सी टू स्क्वायर बाई टू प्लस आगे बात करोगे तो क्या मिलेगा, जी जेड टू प्लस ये आपको क्या मिलेगा, डेल ऑफ डब्लू। कहानी क्लियर है यहाँ तक। अब आपको क्या करना पड़ेगा, ये अगर आप वेलोसिटी की बात करोगे तो इस वेलोसिटी में क्या होगा,
C1 और C2 के साथ देखिए, ये तो आपका अगेन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो हो गया, हीट ट्रांसफर भी आपका क्या है जीरो है। तो अगर आप देखोगे तो वर्क ट्रांसफर को लेके, अब एक मेरी बात ध्यान से सुनिए, हीट ट्रांसफर तो आपने जीरो कर दिया, बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है। कंप्रेसर में जो वर्क देता है हमें कि हमको देना पड़ता है कंप्रेसर के अंदर, आप जब स्विच ऑन करते हो तभी ब्लेड घूमता है, तभी तो एटमॉस्फेरिक एयर को सक करके डिस्चार्ज करके देगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे तो इस पे हमको वर्क करना पड़ता है, और जब भी हमारा वर्क डन ऑन द सिस्टम होता है उसको हम लोग क्या लेते हैं, निगेटिव। तो ये जो हमारा वर्क डन है इसको हम लोग क्या लेंगे, निगेटिव। समझ में आया क्यों लिए हैं? कंप्रेसर के ऊपर वर्क करना पड़ता है और वर्क डन ऑन द सिस्टम हमेशा निगेटिव लेते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर डेल डब्ल्यू को क्या लिया हुआ है, निगेटिव। तो अगर आप इसको निकालोगे तो क्या आएगा, H1 इक्वल टू H2 माइनस W। तो जब आप माइनस W को इधर आप बाहर लेके आओगे तो डेल W इक्वल टू फाइनली आपको क्या मिलेगा, ये आपको मिलेगा H2 माइनस H1। कहानी को समझ में आया? मतलब यहाँ पर भी अगर देखो पॉजिटिव ये शो कर रहा है कि आपने वर्क डन को ऑलरेडी निगेटिव ले लिया है। अगर मान लो सपोज आपने वर्क डन को निगेटिव नहीं लिया रहता, कंफ्यूज मत होइएगा, अगर आपने वर्क डन को नेगेटिव नहीं लिया रहता तो ये वैल्यू क्या आती, ये वैल्यू आती H1 माइनस H2, मतलब बिल्कुल यही आता H1 माइनस H2। लेकिन इस केस में आपका डेफिनेटली आप वर्क दे रहे हो तो जो फाइनल एंथैल्पी निकलेगा H2, ये डेफिनेटली आपको H2 इज ग्रेटर देन मिलेगा H1। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि आप वर्क डन ऑन द सिस्टम कर रहे हो। आप किसी सिस्टम के अंदर घुसे और आपको और एनर्जी मिल गई तो आपकी फाइनल एनर्जी तो बढ़ गई ना। तो अगर आप इस इक्वेशन में भी अगर मान लो निगेटिव नहीं रखते तो H1 माइनस H2 पे H2 आपका बड़ा है तो ये वैल्यू खुद ब खुद निगेटिव आती, और ये वैल्यू निगेटिव आती तो ये वैल्यू आपको खुद क्या शो कर देता, ये वैल्यू अगर निगेटिव आ जाती तो फाइनली क्या वैल्यू शो कर देता कि यही आपका जो वर्क डन है वो आपका क्या है, निगेटिव शो कर रहा है, मतलब वर्क डन ऑन द सिस्टम हुआ है। तो दो तरीके हैं, या तो आप W ले लो अपने हिसाब से, और नहीं लेना है, नहीं समझ में आ रहा है तो चुपचाप जैसा चल रहा है चलने दीजिए। जब भी आपका क्या होगा वर्क डन के साथ बात होगा, आप H2 माइनस H1 के साथ आ जाइएगा, ठीक है? या आपको जो वर्क डन है ये वर्क डन आपको क्या करेगा, ये वैल्यू आपको निगेटिव दे देगा, ठीक है फ्रेंड्स? तो कहानी क्लियर हुआ टर्बाइन और कंप्रेसर को लेके। एक फ्रेंड्स लास्ट एक और एग्जाम्पल पे मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, वो आपका जो एग्जाम्पल है वो थ्रोटलिंग वॉल्व को लेके है, ठीक है? डेट इज द वेरी इंपॉर्टेंट, चीजें समझ में थोड़ी कम आती है थ्रोटलिंग वॉल्व, लेकिन इसका यूज आगे ज्यादा पड़ता है। और इस थ्रोटलिंग वॉल्व का यूज कहाँ पड़ेगा आपका, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, रेफ्रिजरेशन साइकिल में आपका यूज किया जाता है। तो नेक्स्ट हमारा जो फिफ्थ एग्जाम्पल जो है, फिफ्थ पांच तो हो गए हैं, छठवा एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। और जो हमारे पास छठवा एग्जाम्पल है वो आपका थ्रोटलिंग वॉल्व है, ठीक है? तो जो थ्रोटलिंग वॉल्व है उससे एक बार हम लोग कहानी देखते हैं हम लोग कि जो हमारा थ्रोटलिंग वॉल्व है इसके बारे में क्या चीजें हो सकती है। तो पहला चीज अगर मान लीजिए मैं थ्रोटलिंग वॉल्व के बारे में बात करूं तो नेक्स्ट है आपका पांचवा, छठवा, सातवा, छठवा, जो भी है नंबर देख लीजिएगा, ठीक है? पहला तो हमने पढ़ा था नोजल डिफ्यूजर, फिर बॉयलर, टर्बाइन, कंप्रेसर, पांच ही छठवा था, ठीक है? थ्रोटलिंग, तो देखिए बात करते हैं हम लोग थ्रोटलिंग के साथ। तो थ्रोटलिंग वॉल्व आपका होता क्या चीज है इसके बारे में देखते हैं, और ये किस तरीके से काम करेगा ये भी हम लोग समझते हैं, ठीक है? तो आइए हम लोग समझते हैं थ्रोटलिंग की कहानी। तो देखिए थ्रोटलिंग वॉल्व कुछ नहीं है, जस्ट एक रेस्ट्रिक्टेड पैसेज है। मतलब अगर आपका कोई फ्लूइड फ्लो हो रहा है और आप उस पैसेज को अगर रेस्ट्रिक्ट कर दो, रोक दो, तो उस टाइप के पैसेज को हम लोग क्या बोलते हैं, थ्रोटलिंग वॉल्व बोलते हैं। जैसे अगर आप देखेंगे तो ये आपका एक तरीके से क्या है, रेस्ट्रिक्टेड पैसेज है, रेस्ट्रिक्टेड फ्लो पैसेज। अब ये जो हमने लिखा है इसका मतलब हम लोग समझते हैं। एग्जाम्पल मान लीजिए आपके पास पानी का बॉटल है, पानी के बॉटल में अभी कैप लगा हुआ है तो फ्लो हो रहा है, नहीं हो रहा है, बिल्कुल नहीं होगा। कैप को पूरा ओपन कर दोगे, बड़ा कैप मान लीजिएगा, बड़ा कैप ओपन करोगे पूरा कंटिन्यू फ्लो होगा, बिल्कुल होगा। अब आप क्या करो, उस कैप को पूरा बंद करिए और उसमें एक छोटा सा होल कर दीजिए। जब आप होल करेंगे तो उसके साथ क्या होगा, जो अंदर के फ्लूड है वो बाहर निकलने की कोशिश तो करेगी, लेकिन आपका आपने क्या किया, उसका जो फ्लो है उसको क्या कर दिया आपने, रेस्ट्रिक्ट कर दिया है, रोक दिया है, तो पार्शियली फ्लो होना स्टार्ट होगा। पार्शियली का मतलब कुछ अमाउंट ऑफ फ्लो होगा और कुछ अमाउंट ऑफ फ्लो नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल्स टंकी के मान लीजिए टोटी जो होता है उस टोटी को आप ओपन करिए, टोटी को आप अगर थोड़ा सा ओपन करके छोड़ दोगे तो पानी क्या है, बूंद 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 करके टपकेगा, और थोड़ा सा अगर आप खोलोगे तो पानी थोड़ा सा क्या है, एक पतला नॉर्मल तरीके से आपका जो धार होती है पतली धार आएगी,
और अगर आप पूरा ओपन कर दोगे तो क्या है, तब तक वो फुल्ली ओपन हो गया, ठीक है। तो जो आपका पानी बूंद बूंद करके आ रहा था या जो पतली धार के साथ आ रही थी, इस तरीके का जो फ्लो है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, पार्शियली रेस्ट्रिक्टेड फ्लो, ठीक है। तो ये जो आपका रेस्ट्रिक्टेड फ्लो पैसेज है, तो रेस्ट्रिक्टेड फ्लो जो है इसको आप एक वर्ड और स्पेड कर लीजिए, डेट इज द पार्शियली, ठीक है। ये आपका जो है, ये आपका क्या है, पार्शियली। अगर इसका एग्जाम्पल, डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो अगर मैं इसके एग्जाम्पल्स की बात करूं तो इसके एग्जाम्पल्स में पहला आप देखेंगे तो फ्लो थ्रू ओरिफिस, फ्लो थ्रू ओरिफिस, ये आपसे एग्जाम्स में कई बार पूछा हुआ है, ध्यान रखिएगा, फ्लो थ्रू ओरिफिस। ओरिफिस आप समझते हैं क्या होता है, अगर मैं ओरिफिस की बात करूं तो फ्लूइड मैकेनिक्स में तो पढ़ेंगे नो डाउट, लेकिन जैसे मान लीजिए कोई पाइप है तो ये बेसिकली यूज़ किया जाता है डिस्चार्ज को मेजर करने के लिए। तो इस पाइप के अंदर ये प्लेट होता है, इस प्लेट के अंदर एक छोटा सा ऐसा होल होता है, और इस होल, ये जो प्लेट है ना, इस तरीके का जो प्लेट है, तो मान लीजिए कि जैसे पाइप में आपका ऐसा, पाइप में अगर ऐसा फ्लो हो रहा है तो इस तरीके का पाइप होता है, पतली प्लेट होती है, उस प्लेट में होल कर दिया गया, ये जो प्लेट है ना, इस प्लेट में होल कर दिए हैं, और इसके बाद ये कंटिन्यू फ्लो हो रहा है तो इसको ला के पाइप में लगा दिए हैं। तो ये क्या करता है, पार्शियली रेस्ट्रिक्ट करता है, जिसके चलते आपका क्या होता है, जो फ्लो है वो पार्शियली रेस्ट्रिक्ट होता है, और हम लोग यहाँ से डिस्चार्ज मेजर करते हैं। कैसे मेजर करते हैं ये सब हमको फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ना है। फिलहाल आपको ये चीज क्लियर हुआ, बिल्कुल। सेकेंड चीज एग्जाम्पल, फ्लो थ्रू पार्शियली ओपन वॉल्व, फ्लो थ्रू पार्शियली ओपन वॉल्व, ये ध्यान रखिएगा, ये जो वर्डिंग लिखा जा रहा है, फ्लो थ्रू पार्शियली ओपन वॉल्व, ठीक है। तो जो पार्शियली ओपन वॉल्व होता है वहां पर ये चीजें यूज की जाती है, जो पार्शियली ओपन वॉल्व है हमारा, वहां पर ये आपका यूज किया जाता है। और ध्यान रखिएगा, ये जो दोनों मैंने एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, डेट इज द वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम्स में पूछा हुआ है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं इसके कुछ एजम्पशंस की तरफ, ठीक है, क्या क्या फीचर्स भी बोल सकते हो, कुछ एजम्पशंस लेंगे तो कुछ आपके इसमें फीचर्स भी देखेंगे। तो अगर मैं बात करूं एजम्पशंस को लेके, ठीक है, तो एजम्पशंस में आप पहला क्या लोगे, ये बताओ, हीट ट्रांसफर। देखिए, इसमें जो आपका फ्लो हो रहा है एक पतली प्लेट से हो रहा है ना, तो प्लेट में अगर आप थिकनेस देखोगे तो क्या दिखेगा, बहुत कम, तो वहां पर उसका हीट जनरेशन भी आपका क्या हो गया, बहुत कम हो गया। तो पहला चीज तो आप बोल सकते हो क्या, कि इसके अंदर जो चेंज इन हीट ट्रांसफर है वो आपको जीरो। क्या यहां से कोई मुझे वर्क ट्रांसफर मिलेगा, याद करिए, वर्क ट्रांसफर मिलेगा, क्या मिल सकता है, कुछ मूविंग पार्ट है, रोटेटिंग पार्ट है, कुछ नहीं है, तो वर्क ट्रांसफर आपका क्या हो जाएगा, जीरो। कहानी क्लियर हुआ, मतलब इस पैसे से आपको हीट ट्रांसफर भी जीरो मिला है और वर्क ट्रांसफर भी जीरो मिला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सेकंड कंडीशन पे। सेकंड में जो आपका चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है इसको हम लोग जीरो ले लेते हैं, ठीक है, और जो चेंज इन प्रेशर एनर्जी है उसको भी जीरो ले लेते हैं। क्यों, नॉट प्रेशर, पोटेंशियल एनर्जी, क्यों ऐसा किया गया है, अगेन मैं केवल काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी को जीरो नहीं लिया है, मैंने जो लिया है वो दोनों में जो चेंजेस हुए हैं उस चेंजेस को हमने क्या कंसिडर किया हुआ है, जीरो कंसिडर किया हुआ है। कहानी क्लियर है, ठीक है। थर्ड देखिए, यहां पर बात करते हैं, यहां से अगर आप देखोगे तो ये बताओ, ये जो मेरा प्रोसेस है ये रिवर्सिबल प्रोसेस है कि इरिवर्सिबल प्रोसेस है। अगर मैं बात करूं प्रोसेस को लेके, तो ये मैं कहां से ले आया, रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल। देखिए, मान लीजिए कि आपका कोई पाइप के अंदर से फ्लो हो रहा है और आपने इस तरीके का कोई प्लेट लगा के उस पाइप को रोका है, और आपका जो फ्लो दिख रहा है वो फ्लो केवल आपका यहां से होगा, तो जब एक बार अगर ये फ्लो बाहर आ जाएगी तो ये क्या फ्लो फिर अंदर चले जाएगा, क्या अंदर चले जाएगी चीजें, नहीं, मतलब यहां से जो फ्लो आने के बाद एक्सपांड होगी चीजें, ठीक है। तो ये आपका क्या एक्सपांड तो होगा, नो डाउट, यहां से जब आपका फ्लो बाहर निकल कर आएगा तो चीजें तो एक्सपांड होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जब वो अंदर की तरफ जाएगा तो अंदर की तरफ थोड़ी अपने से चले जाएगा, मतलब आपने अगर इसको डेल क्यू माना है जीरो, मतलब आपने सराउंडिंग डिस्टर्ब नहीं किया है, क्योंकि सिस्टम की हीट सराउंडिंग की तरफ नहीं जा रही है, लेकिन एक बार सिस्टम जो अपनी जगह से डिस्प्लेस हो रहा है, सिस्टम वापस अपनी जगह ही नहीं रहा है, सिस्टम एक बार जो अपनी जगह से डिस्प्लेस हो गया है तो सिस्टम अपनी जगह लौट रहा है क्या, नहीं लौट रहा है, मतलब अगेन दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो आपका प्रोसेस निकला, ये आपका कौन सा प्रोसेस निकला हुआ है, इरिवर्सिबल प्रोसेस, ध्यान रखिएगा। अभी तक हमने कितने इरिवर्सिबल प्रोसेस पढ़ लिए हैं, थर्मोडायनेमिक्स में मैक्सिमम प्रोसेस रिवर्सिबल है, और जो इरिवर्सिबल प्रोसेस है यही आपका सबसे इंपॉर्टेंट बन जाता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा।
तो सबसे इम्पॉर्टेंट बना है इरिवर्सिबल प्रोसेस। और इसके पहले अभी तक हमने एक इरिवर्सिबल प्रोसेस और पढ़ा है, कौन सा प्रोसेस था वो याद करिए, एक इरिवर्सिबल प्रोसेस हमने और पढ़ा है, कौन सा प्रोसेस है वो? नहीं याद आ रहा है, तो याद आएगा, देखिए फ्री एक्सपांशन, याद आया कुछ? तो ये जो हमारा फ्री एक्सपांशन वाला प्रोसेस है, ये भी हमारा क्या था? इरिवर्सिबल प्रोसेस था, ध्यान रखिएगा। तो अभी तक हमने टोटल दो इरिवर्सिबल प्रोसेस पढ़ लिए हैं, और ये दोनों एग्जाम्स के बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन हैं। इरिवर्सिबल प्रोसेस, पहला तो हमने जो फ्री एक्सपांशन को लेके बात किया था, और एक हमने जो बात किया है, किसको बात किया है, इस प्रोसेस में, ठीक है, कौन सा प्रोसेस? थ्रोटलिंग वाल्व को लेके। आइए अब हम लोग इस पे अप्लाई करते हैं क्या, स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। तो स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन अप्लाई करिए, चलिए बात करते हैं। तो अगेन आप बात करेंगे H1 प्लस C1 का स्क्वायर बाई 2 प्लस ZZ1 प्लस डेल ऑफ Q इक्वल टू, फाइनली आगे बढ़िए H2 प्लस क्या मिलेगा आपको, ये आपको मिलेगा C2 स्क्वायर बाई 2 प्लस ZZ2 प्लस डेल ऑफ W। कहानी कुछ क्लियर हुआ? बिल्कुल हुआ। अब देखिए क्या होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन प्रेशर एनर्जी जीरो। तो ये काइनेटिक का कहानी खत्म है, पोटेंशियल एनर्जी का कहानी खत्म है, मैं बार बार प्रेशर बोल दे रहा हूँ, सॉरी, ये पोटेंशियल है। और डेल क्यू और डेल डब्ल्यू की अगर बात किए तो नो हीट ट्रांसफर, नो वर्क ट्रांसफर। तो यहाँ पर आपको हीट ट्रांसफर भी जीरो मिलेगा और यहाँ पर आपको वर्क ट्रांसफर भी जीरो मिलेगा। तो बचा क्या, बच गया यहाँ पर H1 इक्वल टू H2। तो फाइनली आप देखोगे तो यहाँ पर H1 इक्वल टू H2 मिला, और H1 इक्वल टू H2 मिला तो यहाँ पर एंथैल्पी कांस्टेंट हो गई। तो अगर यहाँ पर एंथैल्पी कांस्टेंट है तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, एंथैल्पी कांस्टेंट है तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्या, आइजेंथैल्पिक प्रोसेस, आइजेंथैल्पिक प्रोसेस। ध्यान रखिएगा क्या बोल रहा हूं मैं, यहां पर मैं लिखता हूं आइजेंथैल्पिक, और आप लोगों की कॉपी में नोट डाउन होता है आइजेंट्रोपिक। तो ऐसा बदतमीजी नहीं करना है, एंट्रोपी से हमें बहुत प्यार है, हमको पता है, लेकिन एंट्रोपी हम लोग पढ़ेंगे सेकंड लॉ के चैप्टर में, ठीक है, फर्स्ट लॉ में कहीं भी आपका एंट्रोपी नहीं है। तो ये जो एंथैल्पी वाले टर्म्स की बात हो रही है, यहाँ पर एंथैल्पी आपका क्या है, कॉन्स्टेंट है, तो इसलिए ये जो आपका प्रोसेस है ये ध्यान रखिएगा, यहाँ लोग मिस्टेक करते हैं। तो ये आपका प्रोसेस क्या है, आइजेंथैल्पिक। तो यहाँ से मुझे एक चीज और समझ में आई क्या, कि ये जो आपका प्रोसेस होता है, ये आपका प्रोसेस क्या है, आइजेंथैल्पिक प्रोसेस है, ये जो आपका प्रोसेस है आइजेंथैल्पिक प्रोसेस है, ठीक है। तो एक बार ध्यान रखिएगा, अगर मैं जो एजम्पशंस की बात कर रहा हूं, ये आपके दो पॉइंट एजम्पशंस के अंदर है, ये अगर मैं बात करूं तो ये दो पॉइंट आपके एजम्पशंस के अंदर है, लेकिन ये जो दो पॉइंट है डेट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको पूरा चार्ट जाना है, ये दो पॉइंट को समझ में आया, ये जो आपको दो पॉइंट दिख रहे हैं ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इसको मैं मार्क कर दे रहा हूं, जितना स्टार मार्क कर लो कम है, क्योंकि इस प्रोसेस के लिए आपका जो है क्या क्या है, इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है और आइजेंथैल्पिक प्रोसेस होती है। तो यहां से समझिए क्या क्या फाइनली क्वेश्चन आपसे एग्जाम्स में पूछा जाता है, थ्रोटलिंग वाल्व। अच्छा एक बात बताओ, ये जो मैंने अप्लाई तो कर दिया, लेकिन ये प्रोसेस आपका क्या है, इरिवर्सिबल है, तो इरिवर्सिबल में इक्वेशन अप्लाई था, ये जो मैंने इक्वेशन दिया स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, क्या इरिवर्सिबल के लिए अप्लाई था? बिल्कुल था, ठीक है। मतलब इस इक्वेशन को जो हमने अप्लाई किया है, याद करिए जब हमने स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन निकाला था तो वहां पर इस चीज को हमने अलग से हाईलाइट किया था, क्या, कि दिस इक्वेशन इज एप्लीकेबल फॉर रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस बोथ, ठीक है। तो इसलिए इरिवर्सिबल प्रोसेस होते हुए भी हमने क्या है, इस इक्वेशन को इजिली अप्लाई कर लिया है, ठीक है। तो ये आपको चीजें क्लियर हुई। तो क्या क्या यहाँ से एग्जाम्स में पूछ रहा है, पहला ये दोनों क्वेश्चन आपसे, एक तो फ्लो थ्रू ऑरिफिस है वो कौन सा एग्जाम्पल होता है, दूसरा आपका पार्शियली ओपन वॉल्व इज द एग्जाम्पल ऑफ आइजेंथैल्पिक, आइजेंट्रोपिक, आइजोबैरिक, आइजोकोरिक, इस तरीके का ऑप्शन देगा आपको। नेक्स्ट एजम्पशन आपसे नहीं पूछा हुआ है, ये जो थ्री और फोर्थ कंडीशन है, पहला कि इरिवर्सिबल प्रोसेस होगा, और दूसरा अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या होगा, ये आइजेंथैल्पिक प्रोसेस होगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो क्या होगा, ये जो हमारा कंडीशन है
तो ये आपका क्या है, आइसेंथैल्पिक प्रोसेस निकलकर आया हुआ है, यही कंडीशन से आपके। फ्रेंड्स हमारा ऑनलाइन टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुका है एसएससी जेई के लिए, जिसको आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। इस टेस्ट सीरीज में फ्रेंड्स आपको कितने क्वेश्चंस करेक्ट हो रहे हैं, इनकरेक्ट हो रहे हैं, ओवरऑल आपकी टाइम कंज्यूमिंग कितनी हो रही है, कितने आपके मार्क्स निगेटिव हो रहे हैं, ओवरऑल आपका जो टेस्ट परफॉर्मेंस है, टेस्ट की रैंकिंग क्या है, ये सारी की सारी जो चीजें एनालिसिस है वो आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिलेगा। तो बिल्कुल फ्रेंड्स आपको ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहिए, बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस पे ये टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, जो कि आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिलेंगे। इसके अलावा इस पे फ्रेंड्स अगर आप 10% का एडिशनल ऑफ चाहते हैं तो आप मेरा प्रोमो कोड यूज कर सकते हैं, जो मेरा प्रोमो कोड है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिलेगा। तो जब भी आप टेस्ट सीरीज को बाई करें, ये प्रोमो कोड को अप्लाई करें, इस पे आपको 10% के एडिशनल ऑफ मिलेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो से रिलेटेड कंटिन्यू और भी अपडेट्स चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल के लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और एग्जाम्स की आप तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।